बड़ीज खुशामदीद स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। तो आज हम सेबल को बचाने वाले हैं, बट ये सब हुआ कैसे और क्या सेबल हमारे साथ काम करने वाली है और क्या वो हम पर भरोसा करती है या नहीं, या फिर ये एक चाल होने वाली है या कुछ इससे भी बुरा, ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की मजेदार एपिसोड्स ढूंढ कर लाता रहूंगा। और राइट बडीज, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मुझे एक ऐसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक किस्म के हैमरहेड के गुंडे और स्कोप कंपनी से कुछ सेबल का सामान चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी से चल के उन्हें रोकते हैं वरना भाई सेबल अपने हवाई जेट पर आ जाएगी और लोगों को पीटना शुरू कर देगी और लोगों को मारना भी। तो चल के देखते हैं कि आज हम क्या क्या खतरनाक करने वाले हैं। तो बडीज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना मत भूला करो, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे हमेशा मोटिवेट रखता है इस तरह की मजेदार एपिसोड्स बनाने में। तो जल्दी से चल के देखते हैं भाई क्या क्या खतरनाक होने वाला है आज के एपिसोड में। और यहाँ पर मैं उस लोकेशन के काफी करीब आ चुका हूँ और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ओस्कोर्प की एक वैन को स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस बंदे से कह रहे हैं भाई दरवाजा खोलो, और शायद मुझे अभी रोकना पड़ेगा इन्हें चलकर। चलो जल्दी से नीचे उतरते हैं। ओके, मुझे पता है क्या करना है, बस मुझे इन बंदों को रोकना है। ये मैं आ गया। अबे भाई मुक्का मुक्का, एक मिनट रुक तो जा। ये लो, ये नीचे पटका दिया, बहुत ही बेहतरीन। और अभी बैकअप आ रहा है भाई, मुझे लगता है इनका पूरा प्लान था इसको चोरी करके ना कुछ गलत करने का, बट अभी ये इनका प्लान एकदम नाकाम होने वाला है क्योंकि हम आ चुके हैं और हम ये किसी को करने भी नहीं देंगे। ये लो भाई, मुझे जो फिनिशर्स है वो बचा के रखनी है क्योंकि मुझे लगता है कुछ और खतरनाक गुंडे भी आने वाले हैं। ये तो अभी छोटे मोटे आ रहे हैं। ये लो, दरवाजे के पास जाने की क्या जरूरत है भाई, इतना बड़ा स्पाइडरमैन तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा, पहले तुम्हें दरवाजा खोलना है। ये रुक जा, तुझे अभी मैं बताता हूँ, और चिपको दरवाजे के साथ, इसी वैन के साथ ही तुम्हें पीटता रहूंगा। ओ भाई, एक मिनट रुक जा। ओके, तो यहाँ पे भाई वेब बॉम्ब का मैंने एकदम बढ़िया इस्तेमाल किया और वेब बॉम्ब काफी अच्छा चल गया, लेकिन अभी मैं तो भाई कुछ और ही करने के लिए सोच रहा था लेकिन वो काम नहीं किया। और यहाँ पर भाई एक फिनिशर मैंने अपनी जाया कर दी। और ओ अबे भाई एक मिनट रुक तो जाओ, ये पागल कहीं के भाई मुझे मारने के लिए एकदम पागल हुए फिर रहे हैं। ये रुक जा, ये ले हवा में उड़ाओ भाई से, इधर आओ तुम सब लोग। ओ भाई ऊपर गिर गया वो तो भाई वैन के, अभी ये कहाँ से आ गए। ओ शिट, चलो भाई अभी मैं इन्हें एकदम बढ़िया पीटने वाला हूँ, हवा में इसको भी मारना चाहिए मुझे। ये लो भाई, अबे भाई कितने आदमी आएंगे, वैसे मुझे तो लगता है आज तो सारा दिन मैं इन्हें ही पीटता रहूँगा बस। और इसके बाद मुझे एक कॉन्वे को भी हराना पड़ेगा शायद से, जो सेबल पर हमला करने वाली है। ये लो दरवाजे को, यार देखो मैंने कितने सारे बंदे चिपका दिए इसलिए दरवाजे पर कि कोई दरवाजे के पास भी ना जाए, बट ये लोग रुकने वाले नहीं है भाई। ये लो, और देखो फिर भी एक दरवाजे को खोल रहा था और मैंने भाई से दरवाजे की तरफ फेंक दिया बंदे को उछाल के, और बहुत ही बढ़िया किया। ये देखो, ये मर गया क्या, नहीं भाई जिंदा है अभी भी, क्या बात है। ये लो इधर जाके गिरो, अबे मर जा भाई, चिपक जा। ओ देखो भाई मुझसे पूछे बगैर दरवाजा खोल रहा है, क्या अजीब आदमी है ये। ये ले, इधर जा, क्योंकि भाई पुलिस आ चुकी है तो मुझे लगता है ये आखिरी बंदा है जिसे हमें मारना पड़ेगा। बढ़िया, ओके तो आई थिंक यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है और ये बंदा अब सेफ है। Sure are serious about stealing Sable tech. Well, they're serious about everything, to be honest. Thanks, Spider-Man. That was a close one. ओके, तो यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि शुक्रिया स्पाइडरमैन, तुमने मेरी काफी मदद की, और अभी मुझे जाना है भाई ओस्कोर्प की शिपिंग फैसिलिटी में जहाँ पर बहुत कुछ खतरनाक चल रहा है। Got it. I'm headed there now. Question for you. We know Hammer has stole most of the Sable weapons already and a bunch of equipment from police lockup. Now he's stealing Sable tech that's bound for Simkaria. Where is he putting all this stuff? No idea. But if we can find out where, we can cut off his supplies. I'll try to cross-reference his men's activity with the city map. See if I can't nail down a location. Good plan. Hey, so I've been reading up on the situation in Simkaria. There's a ruling dictator attacking his own people.
ओके, तो यहाँ पे एमजी हमें कुछ सेबल की बातें बता रही है और वो कह रही है कि भाई एक खतरनाक किस्म का रूलर जो है सिमकारिया पे जहाँ पे सेबल का लैंड है उस पर हमला कर रहा है, तो इसलिए सेबल हम पर इतना गुस्से थी और शायद से वो हार रही है तो उसे कुछ सामान वामान चाहिए था इसलिए वो न्यूयॉर्क वापिस आई। और देखो भाई हैमरहेड के गुंडे पहले उसका सामान चुराने पर तुले हुए हैं भाई, इनकी भैंस की टांग प्रोजेक्ट ओलंपस को लेके जा रहे हैं भाई। आ गया तुम्हारा बाप आ गया, चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे चुराते हैं सामान। चलो भाई इनकी दो दो कॉन्वेज हैं तो मुझे जल्दी जल्दी इन्हें निपटाना पड़ेगा वरना भाई कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है आज भाई। अगर ये प्रोजेक्ट ओलंपस जो है हैमरहेड के हाथ लग गया तो पता नहीं वो इससे क्या बन जाएगा, पता नहीं हैमरहेड जिंदा भी है या नहीं। चलो अभी तो फिलहाल मुझे इन्हें पीड़ने पर फोकस करना चाहिए। ये लो आ जाओ बढ़िया बढ़िया, दो को पीट दिया है, अभी एक आखिरी बंदा रह चुका है। ये लो भाई। ओके तो यहाँ पे भाई हमने प्रोजेक्ट ओलंपस वाले वैन को रोक लिया है क्योंकि काफी बढ़िया है, और लेकिन अभी बहुत सा सामान लेकर काफी दूसरे बंदे जो है वो भागते जा रहे हैं तो मुझे जल्दी करनी होगी। ये देखो ये सामने रहा भाई ये तो एकदम पागलों की तरह भगाता जा रहा है, किस गाड़ी पे घूम रहा है तू भाई? मर्सिडीज तो नहीं ले ली तूने पागल कहीं के? भाई जल्दी चलते हैं कि देखो भाई इसके पास कोई रेंज रोवर टाइप सी गाड़ी है जिसमें ये फुल स्पीडों में जा रहा है भाई, 4x4 की स्पीड से जा रहा है। अबे रुक जा क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने इसे पकड़ लिया और एकदम उछाल उछाल के फेंक दिया और इस गाड़ी को भाई अभी हमने कर दिया कंबस्टेड और ये गाड़ी अब दीवार वीवार में जाके बचेगी। और फिर से भाई यार ये क्या मजाक चल रहा है, दो रह चुकी हैं ये गाड़ियाँ और मुझे लगता है मुझे इन सबको भाई रोकना पड़ेगा, लेकिन इस पर कोई बंदे बंदे तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे, मैं इसे कैसे रोकने वाला हूँ? ओके भाई यहाँ पे कट सीन आ चुका है और यहाँ पर ओस्कोर की जो गाड़ी है वो शायद बचाने वाली है और भाई देखो बीच में आ चुकी है सेबर। ओ शिट भाई सेबर तो भाई लोगों का ध्यान भी नहीं कर रही, देखो ओस्कोर को भी मार डाला है। ओके तो यहाँ पे भाई नीचे कॉन्वीज आ चुकी हैं और पता नहीं अब क्या होने वाला है भाई, मुझे इन सभी को जल्दी जल्दी रोकना पड़ेगा वरना भाई इनमें से कोई ना कोई तो मारा जाने वाला है आज। ओह शिट मैं गलत साइड पे कूद गया। ये लो आ जाओ भाई दूसरा कहाँ पे है? ओह शिट यार ये हर बार इधर से क्यों निकलते हो मुन्ने, दूसरी साइड से भी आया करो। ओके यहाँ पे अभी मुझे इसे रोकना है। ये ले ओह शिट भाई क्या सीन हो रहा है, भैंस की टांग इसकी भाई, मैं गाड़ी से गिरने वाला था लेकिन अभी मैंने गाड़ी को बचा दिया है। बट यहाँ पर सेवर कहाँ गई है? तो भाई सेवर तो एकदम पागल हो रही है। ओके तो भाई अभी और भी गुंडे गुंडे यहाँ पे घूम रहे हैं तो मुझे यहाँ पर इन्हें रोकना पड़ेगा और भाई सेवर तो भाई फाड़ती जा रही है और ये हमारे लिए भी हर्डल्स वगैरह खड़े करी है रास्ते में जो कि बहुत ही बुरी बात है। सेवर मैं तेरे जहाज को फाड़ दूंगा, सच्ची बात बता रहा हूँ, तू पागल गई कि तेरे जहाज को एकदम उड़ा उड़ा के फेंक दूंगा। यार हमें तो नहीं रोकना चाहिए ना इसे, हम इसकी मदद कर रहे हैं उल्टा ये हमें ही मारने की कोशिश कर रही है भाई। चलो भाई कहाँ जाना है? ओके एक बंदा रह चुका है जिसे जल्दी से मुझे पकड़ना पड़ेगा वरना भाई सीन काफी खराब है। देखो भाई अभी ये लोग छोड़ रहे हैं। ओके भाई मेरे से गलती हुई, सेबल वेबल नहीं छोड़ी इस तरह की चीजें, ये लोग छोड़ रहे हैं। देखो भाई वो स्कोर के लोग छोड़ रहे हैं, इतने खतरनाक किस्म के ये गोले बोले पता नहीं क्या है ये। चलो भाई इसके पास चलते हैं। ये भाई हमने इसे तोड़ दिया है, बढ़िया बढ़िया। ओके भाई इस गाड़ी को भी हमने रोक दिया है और अभी क्या करने है? अबे भाई ये ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं? ओ भाई इतने खतरनाक किस्म के ड्रोन्स जो है मुझे लगता है ये सेबल को मारने की कोशिश करेंगे और हमने इन्हें रोकना है। ओके एक ड्रोन जो है मैंने तोड़ दिया है और अभी कहाँ जाना है भाई? ये सारे ड्रोन्स तोड़ने हैं शायद से, हाँ मुझे नज़दीक जाना पड़ेगा, यहाँ से वेब शूटर वगैरह नहीं लगते मेरे जो हैं, और यहाँ पर मुझे इनके नज़दीक जा कर ना फिर से शायद मारना पड़ेगा। ये लो ओके भाई एक दो को तो लगी हैं और एक ड्रोन जो है वो तो टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सेवर जो है हमारी मदद चाहेगी क्योंकि वो पहले ही बहुत गुस्से है और मुझे नहीं लगता कि भाई ये ड्रोन ये अकेले तोड़ पाएगी क्योंकि ये तो सामने की तरफ देख रही है और पीछे से इसका जो ड्रोन है ना फ्लाइंग ड्रोन बढ़िया वाला, इसका जेट वेट
वो काफी डैमेज होता जा रहा है। और भाई देखो इसको छोटे छोटे मिसाइल छोड़ रहा है। भाई हैमरहेड के पास ड्रोन ड्रोन भी थे, मुझे ये नहीं पता था। ये ले ड्रोन, आखिरी ड्रोन हमने फाड़ दिया। और अभी क्या ओड्रोन भी आएंगे या फिर बस खत्म ही हो गया सीन मुझे लगता है। अबे भाई ओड्रोन क्या क्या मजाक है भाई। अभी मुझे जाना है सेबर के जहाज में, यानी कि इस जेट के पीछे बैठना पड़ेगा शायद से, या फिर इस जहाज को शायद मैं खुद कंट्रोल करने वाला हूँ। भाई खुद कंट्रोल कर लूँ तो क्या ही बात हो जाएगी। और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं भाई, इसके पीछे खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हम, इसके पीछे बैठकर इसे जो ड्रोन्स हैं उनसे बचाने वाले हैं। ओके बढ़िया बढ़िया भाई, सभी को मैंने फाड़ दिया, बस एक आखिरी ड्रोन रह चुका है। अबे भाई टूट गया उस भाई, शॉक वेव तो इसे नहीं लग रही, लेकिन अभी भाई रुक जाए एक मिनट, सेवल थोड़ा सा सीधा रख ताकि मैं इन्हें मार सकूं। भाई एकदम सेवल तो घुमाती जा रही है। ओके तो यहाँ पर भाई एक आखिरी जो वैन है वो रह चुकी है और मुझे उसे रोकना पड़ेगा, वरना जो है सेवल जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, या फिर इसी ट्रक को रोकने में भी वो कुछ गड़बड़ कर सकती है। भाई वो मर्जी की मालिक है। देखो भाई, अबे भाई इसने तो गोलियां चलाने में एक सेकंड का भी वेट नहीं किया। और क्या ये बंदा मर चुका होगा जो इसके अंदर बैठा है। भाई सेबल तो गन वन निकाल के आ गई है। भाई Where's Hammerhead? If I talk, he'll come in. So you do what you gotta do. ओ शिट, मरने वाला है क्या? भाई भाई रोक लिया है, बढ़िया बात है। ओके तो हम इसे कह रहे हैं कि हमने अगर मिलकर काम किया तो हम उसे ढूंढ लेंगे। ओके तो ये राशि हो चुकी है मिलकर काम करने से, लेकिन ये हमें ट्रस्ट नहीं करी। और भाई देखो एक ट्रैकर चिपका दिया इसने, मुझे जैसे लगता था ये पागलों वाले काम करेगी, तो बिल्कुल वैसा ही किया इसने। स्पाइडरमैन को उल्लू बनाना जैसे हलवे वाली बात हो गई है भाई। ये जो है ना, सारी लड़कियां स्पाइडरमैन को एकदम मिंटो स्किंटो में उल्लू बना देती हैं। तो आई थिंक आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और क्या हम सेबल पर भरोसा कर सकते हैं या फिर ये कोई चाल है, ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले एपिसोड में।